हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं गाइस आपका अपना विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस अभी सीबीएसई के जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स हैं क्लास 10 12th के, वो जारी हैं, ठीक है। 3-4 दिन गुजर चुके हैं और बच्चों का जो रिएक्शंस आ रहा है वो मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। हमने कल भी आपको एक लाइव अपडेट दिया था, लाइव सेशन हमने लिया था, साथ ही साथ में हमने आपको देर रात को हमने डिटेल्स दिया था कि किस तरह के कॉपी चेकिंग होंगे, किस तरह के कॉपियां कट रही हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, आई बटन में ऊपर और लिंक बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने आपको दिया हुआ है उन वीडियोज़ का, ठीक है। सो प्लीज़ वॉच दोज वीडियोज़ फॉर मोर अपडेट्स। गाइज अभी ये जो मामला है थमा नहीं है, बिकॉज जो बच्चे रिएक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर में हम आपको एक स्पेशल वीडियो दिखाने वाले हैं, उसको ज़रूर देखना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे गाइज, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे जो अभी तक कह रहे हैं कि जो जिस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो बहुत अनोखे ढंग से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो केसेस हैं वो अभी चल ही रही हैं। वहीं इस वक्त एक बड़े बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं कंपार्टमेंट के, जिन्होंने लिए अप्लाई किया था, कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था या इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर के लिए अप्लाई किया था, उनके लिए एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया है। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, ठीक है। आप जो बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किया है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए या इम्प्रूवमेंट पेपर के लिए, वो जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट है upmcp.edu.in पर जाकर के आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको उसका क्या प्रोसेस है वो भी बताएंगे, वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो किसी भी हालत में चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस, ऑनलाइन सेशंस आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। गाइज मैं अभी आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से जो यूपी के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे, वो वेट कर रहे थे कि कब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जारी होगा, और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का माहौल था, क्योंकि आसाम बोर्ड ने अपने एरिया का यानी कि अपने आसाम बोर्ड के बच्चों का जो क्लास 10 12th का एग्ज़ाम है उसको सडनली उन लोगों ने कैंसिल कर दिया और सभी बच्चों को दोबारा से रीएडमिशन लेने के लिए कह दिया कि आप लीजिए दोबारा रीएडमिशन, क्योंकि हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का माहौल चल रहा था। गाइज अभी इन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारीगण हैं, वो उन लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कैसे कंडक्ट कराएंगे उसकी तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए सभी जिलों से, सभी डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट्स मांगा है, ठीक है। गाइज अभी मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि टोटल जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं वो हैं 33,344 बच्चे इसमें अपीयरिंग हैं, ठीक है, जिसमें से हाई स्कूल के इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए 15,839 स्टूडेंट्स, और इंटरमीडिएट जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स जो थे उसके लिए 17,505 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए थे। तो गाइज यहाँ पे जो भी बच्चे कंपार्टमेंट या यूपी बोर्ड ये जो इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, अगर आप में से कोई भी है तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसे आप डाउनलोड किस प्रोसेस से करेंगे, मैं आप चलिए आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए आप सीधा जो लिंक है उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, upmcp.edu.in पर आप जाकर के क्लिक करेंगे, ठीक है। वहां पर इनके होम पेज में इम्प्रूवमेंट और जो कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको एक नया पेज दिखाई देगा, अपने जो आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं और लॉगिन, वो आप उसको दर्ज कीजिए, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और इसके लिए आप अपना एक प्रिंटआउट ज़रूर निकाल लें। तो गाइज अब यहाँ पे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अब इस पेंडेमिक सिचुएशन के माहौल के बीच में यूपी बोर्ड किस तरह से अपने कंपार्टमेंट और जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं 33,000 से ज़्यादा, उनको किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएंगे, उनका SOP का फॉलोअप्स क्या होगा, उनके नियम कानून क्या होंगे, क्योंकि जैसे रिपोर्ट्स अभी तक CBSE के बोर्ड के बच्चों के हमारे पास में आ रहे हैं वो थोड़ा चिंता में डालने वाले हैं, क्योंकि पेरेंट्स से हमने बात किया कई सेंटर पे जा करके, साथ ही साथ में बच्चों का भी हमने रिएक्शन लिया, तो ज़्यादातर का कहना था कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर तो कुछ हो भी जा रहा है, लेकिन जो चिंता जताई जा रही थी कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो गाइज यहाँ पे ये मैटर बहुत ज़्यादा है, और फिर जो क्वेश्चन पेपर जो आ रहे हैं उसका तो एक इश्यूज़ बना ही हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे या इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया है, चाहे CBSE बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड,
उम्मीद यही की जा रही है कि कम से कम इस बार ये जितने भी बोर्ड्स हैं, जैसे कि अभी इस वक्त मैं अगर सीबीएसई की बोर्ड बात करूं तो ये थोड़ा लीनियंट वे में कॉपी चेक करें ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं राहत मिले और कहीं ना कहीं जो गलतियां ये डिफरेंट बोर्ड्स जो कर रहे हैं इनको कहीं ना कहीं लास्ट एट द एंड मोमेंट में इनको कहीं ना कहीं तारीफ मिल जाए, कहीं ना कहीं इनके लिए भी लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ें कह दें। क्योंकि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही था तो मेरे ख्याल से जितने भी आप एक्सपर्ट से पूछिएगा, राय लीजिएगा, सबका यही कहना है कि पहले ही अगर करवा दिया जाता तो मच बेटर होता, क्योंकि अभी भी सिचुएशन जो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा वर्स्ट है। पर डे केसेस जो हैं वो 90,000 से ज़्यादा जा रहे हैं और ये स्थिति चिंता में डालने वाली है। ये स्थिति नॉर्मल नहीं है क्योंकि बच्चे हमारे हैं, ठीक है, तो बच्चों का लाइफ या हेल्थ इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और ख़ास तौर पे नीट एग्ज़ाम के जो छात्रा जो कोविड पॉजिटिव पाई गई एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम देने के बाद में और बाद में उसका डेथ हो गया, तो ये केसेस जो हैं ये चिंता में डालते हैं गाइज। अब रेस्ट हम यही उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छे ढंग से निकल जाए और रिजल्ट जो है वो बेहतरीन तरीके से आए। अभी इस वीडियो में हम गाइस आप लोगों को इतना ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारे साथ में बने रहने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।